तो गाइस आज है अपन अपनी जिम के अंदर। ये जो तीनों प्रोटीन है वो अपन ले चुके हैं और ये वाला हाल फिलहाल चल रहा है एलिव का आइसो गोल्ड। आज की जो वीडियो है वो अपनी रिव्यू वीडियो है इसका, इसका और इसका। ये जो दोनों हैं वो यूएसए से इंपोर्टेड है, यूएसए प्रोटीन है। जो इनका जो सोर्स है प्रोटीन का यूएसए, इसका जो सोर्स है वो पोलैंड का है। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं किसके साथ? आदित्य के साथ। आप क्या देख रहे हैं? आदित्य 29 ब्लॉक्स को, ठीक है। तो आज का जो पहला प्रोटीन जिसका अपन रिव्यू कर रहे हैं वो है डेक्स्ट्रा जैक्सन का ब्लैक सीरीज। ये वाली जो पैकिंग है वो नई है, अभी थोड़ा मार्केट के अंदर ये नया चल रहा है, इसकी मांग भी कुछ ज़्यादा है। प्राइसिंग जो अपन ने तीनों जो प्रोटीन को अपन ने रिव्यू किया है उनको हर तरीके से किया है, प्राइसिंग हुआ, प्रोटीन क्वालिटी हुआ, मिक्सिबिलिटी हुआ, सब चीज़ों से डिफ्रेंशिएट किया। दूसरा जो प्रोटीन है वो अपना रॉनी कोलमैन सर का है, रॉनी कोलमैन का आइसोट्रॉपिक, ये स्पेशल एडिशन सीरीज है। और जो तीसरा है वो पोलैंड का है। ये किस कई लोगों ने देखा भी होगा और कई लोगों ने नहीं भी देखा होगा तो बता दूँ, एलिव का है ये आइसो गोल्ड आइसो। ये जो प्रोटीन है वो आइसोलेट और हाइड्रोलाइज का मिक्सचर है ये, और डेक्स्टर वाला तीन, दोनों के दोनों अपने हाइड्रो और आइसोलेट के हैं। मेरी पर्सनल प्रिफ्रेंस जो है वो इसकी तरफ है क्योंकि इसकी जो अमाउंट ऑफ प्रोटीन, इसकी जो एक स्कूप है उसके अंदर जो क्वालिटी है, कंटेंट है प्रोटीन का, वो बहुत अच्छा है। 100 ग्राम पे जो इसकी परसेंटेज है प्रोटीन की वो 88% है, तो बहुत अच्छा है। तो अपन जो अपना रिव्यू है वो चालू करते हैं। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए इन तीनों के, वो आपको बताता हूँ। ऐसे में ये तीनों जो प्रोटीन है वो थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं, बिगिनर्स भी ले सकते हो आप और एडवांस भी ले सकते हो, दोनों अच्छे हैं, ठीक है। तो पहले जो अपना डिफरेंस है तीनों का वो अपन करते हैं उसकी प्राइसिंग को लेकर। प्राइसिंग अपनी जो रॉनी कोलमैन की पड़ती है वो 8000 प्लस की पड़ती है। ये जो प्राइसिंग मैं बता रहा हूँ स्पेशली डिफेंडर को, जो प्राइसिंग मैं बता रहा हूँ वो मार्केट फ्लक्चुएट होता रहता है, ऊपर भी वो मिल सकता है नीचे भी मिल सकता है, ठीक है। डेक्स्टर अपना पड़ता है 7000 रुपये का। एलिव आइसो गोल्ड, ये तीनों में से सबसे सस्ता है एलिव का, ये 6000 रुपये का पड़ता है। जो प्रोटीन कॉन्टेंट है इसके अंदर 100 ग्राम पे 88% है, इसके अंदर 25 ग्राम मिलता है और इसके अंदर 25 ग्राम मिलता है। इसकी जो सर्विंग साइज है वो 30 ग्राम की है और इसकी जो सर्विंग साइज है वो 32 ग्राम की है। तो 32 ग्राम पे 25 ग्राम है और ये जो है अपना 30 ग्राम पे अराउंड 25 ग्राम है। तो यानी कि 5 ग्राम जो है वो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कार्ब्स हो गए, अमीनो प्रोफाइल हो गई, ये है। दूसरा अपन बात करते हैं सर्विंग की। सर्विंग सबसे ज़्यादा अपन को डेक्स्टर में मिलेगी, 76 सर्विंग आती है, यानी कि आराम से खींच के आपके 2 महीने प्लस चल जाएगा अगर आप डेली एक सर्विंग लेते हो प्रोटीन की। दो लेते हो तो 1.5 महीना आराम से चल जाएगा। जो अपना एलिव आइसो आता है वो 66 सर्विंग का आता है, यानी कि नियरली अबाउट 1.5 महीने चल जाएगा अगर आप खींच के चलते हो। वरना जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो चाहे 2 किलो का डब्बा हो चाहे बड़ा डब्बा हो, लेते हो 1 महीने ही है। कई कई लोगों के तो 1 महीने से पहले खत्म हो जाता है, चाहे 20 दिन में हो चाहे 25 दिन में हो चाहे कैसे भी हो। अब बात करते हैं आते कहाँ से। आते तीनों इंपोर्टेड प्रोटीन है, कोई सा भी इंडियन ब्रांड नहीं है। एलिव हुआ, आरसी हुआ, डेक्स्ट्रा जैक्सन हुआ, ये नई पैकेजिंग में है, ये पैकेजिंग कंटिन्यू आ रही है। और ये आइसो गोल्ड है, इसकी भी ये पैकेजिंग कंटिन्यू आ रही है। मार्केट में थोड़ा कम है अभी तो, पर धीरे धीरे आ जाएगा। पर इसकी जो क्वालिटी है प्रोटीन की वो ज़्यादा अच्छा, मेरे को सबसे बेस्ट ये वाला लगता है। अगर मेरे हिसाब से अगर आप लेते हैं तो सबसे बेस्ट ये वाला है। फिर बात करते हैं कि किसके अंदर काय का ब्लेंड है, कौन सा आइसोलेट है, कौन सा वे है, कौन सा क्या है। तो डेक्स्ट्रा जैक्सन जो है अपना वो वे प्रोटीन है, पर वे प्रोटीन है ब्लेंड है ये हाइड्रोलाइज प्लस आइसोलेट का। जो अपना रॉनी कोलमैन सीरीज है वो टोटल आइसोलेट, वो ब्लेंडेड नहीं है। और जो अपना एलिव गोल्ड है वो आइसोलेट, ये थोड़ा प्योर आइसोलेट है, इसके अंदर थोड़ा वे भी है और इसके अंदर आइसोलेट प्लस हाइड्रोलाइज है। अब मैं आपको डेक्स्टर की जो पीछे प्रोफाइल है वो दिखाऊंगा। डेक्स्टर के अंदर आपको सामने की जो ये है सीरीज अच्छे उभरे अक्षरों में, ये हमारे डेक्स्टर जैक्सन जी हैं। सप्लीमेंट फैक्ट देखोगे आप तो कैलोरीज दिख रही है आपको 117, अमाउंट पर सर्विंग है और टोटल फैट इसके अंदर 1 ग्राम है, सैचुरेटेड 0.5 है, ट्रांसफैट 0 ग्राम है,
ये सब प्रोफाइल है। इसके अंदर एक ही डिसएडवांटेज लगा कि इसके अंदर जो एमिनो प्रोफाइल है वो नहीं थी। एमिनो प्रोफाइल अपने आरसी के अंदर भी नहीं है, थी आर्ट्स में भी कम है, पर एमिनो प्रोफाइल इसके अंदर हल्की बहुत दे रखी है, जो इन तीनों में से ये है डिसएडवांटेज। अगर कोई थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल है, उसकी लिमिटेड है कुछ क्वांटिटी, तो उसके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल नहीं होगा। तो ये अपना डेक्स्टर है, फ्लेवर है इसका अमेरिकन बनाना स्प्लिट। अगर आप नए फ्लेवर पे जाना चाहते हैं तो ये प्रोटीन थोड़ा नया फ्लेवर रखता है। अब रॉनी कोलमैन सीरीज का आता है, ये लिमिटेड एडिशन आइसोलेट है, आइसोट्रॉपिक मैक्स बोलते हैं इसे। ये फ्लेवर है इसका कुकी एंड क्रीम चीज़ केक, 25 ग्राम प्रोटीन आता है। नॉर्मल जो पैकेजिंग रहती है वो रहेगी, और जो इसका वो है इसके अंदर शुगर 1 ग्राम है। ये जो डिसएडवांटेज रहता है शुगर 1 ग्राम है, कार्ब्स इसके अंदर 2 ग्राम मिलता है पर सर्विंग। ये जितनी भी क्वांटिटी लिखी होती है पर सर्विंग लिखी होती है। इंक्रीज रिकवरी इसके अंदर अपने को फीचर मिलता है इसका, और लीन मसल मास को सपोर्ट करता है ये इसकी बेस्ट बात है। सर्विंग इसके अंदर 71 दे रखी है। कोई सा भी प्रोटीन लो आप तो उसके अंदर न्यूट्रिशनल फैक्ट जरूर देखना है, कितनी क्वांटिटी है प्रोटीन की। कई सारे प्रोटीन ऐसे भी आते हैं जिसके अंदर 50 ग्राम की सर्विंग के अंदर आपको 24 ग्राम वो मिलता है प्रोटीन, तो वो चीज़ थोड़ी अटपटी सी लगती है कि आप 50 ग्राम की सर्विंग डाल रहे हो वाटर के अंदर और आपको 24 ग्राम मिल रहा है, तो वैल्यू बहुत कम हो जाती है। यानी कि आप 25 ग्राम प्लस तो कार्ब्स वगैरह ले जाते हो, तो फिर प्रोटीन लेने का मतलब क्या हो? प्रोटीन ले तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट प्रोटीन रहता है वो आइसोलेट रहता है, हाइड्रोलाइज रहता है। क्यों? क्योंकि अपन जब प्रोटीन पी रहे हैं तो उस टाइम प्रोटीन तो पिएंगे, उस टाइम प्रोटीन तो पिएंगे। कार्ब्स के लिए बाकी सब डाइट भी है, फैट है, गुड फैट है, बैड फैट है, वो बाकी सब चीज़ें हैं। प्रोटीन तो थोड़ा बहुत चलता है, चाहे 1 ग्राम शुगर हो 0 पॉइंट के अंदर हो, कार्ब 0 पॉइंट के अंदर हो, या 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम हो, वो चलता है, जो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। ये गुड कार्ब्स होते हैं इसके अंदर। सैचुरेटेड फैट 0 होगा, ट्रांस फैट 0 होगा, या फिर पॉइंट की वैल्यू में वो चलेगा। अब ये वो अपना आरसी का, और अब जो हाल फिलहाल मैं ले रहा हूँ वो है एलो का आइसोगोल्ड। इसके अंदर ये माइक्रोफिल्टर्ड वे प्रोटीन है। इसके अंदर एस्पार्टेन एडिड नियर डिलीशियस इसका टेस्ट है, जो भी लिख रखा है। ब्यूनो चॉकलेट फ्लेवर है, 2 kg की पैकेजिंग है ये वाली। इसकी पैकेजिंग जो है वो सबसे बेस्ट लगती है मेरे को, इसकी पैकेजिंग। क्यों? मतलब ऐसे देखते ही अपन प्रोटीन पी रहे हैं तो प्रोटीन में कुछ तो हट के दिखेगा, तो इसकी पैकेजिंग 1 नंबर है, ये तो माननी पड़ेगी। अब इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के अंदर आते हैं तो MRP तो 10,000 लिख रही है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो सब देते हैं, तो कम का ही पड़ेगा अपने, बहुत कम का प्राइसिंग आपको बताई दी। इसके अंदर नॉन कैलोरिक स्वीटनर है, सब प्रोटीन के अंदर थोड़े बहुत रहते हैं। सुक्रालोस है इसके अंदर, जो फ्लेवरिंग के लिए काम आता है। एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट, टोटल शुगर, एडिड शुगर, प्रोटीन, टोटल फैट, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम, विटामिन बी 12, ये सब कुछ इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, वीडियो को एक बार पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो इसके सर्विंग है पर कंटेनर वो 66 है, आप ध्यान से देखिए, ये इसका पूरा न्यूट्रिशनल वैल्यू है। और जो डिस्क्रिप्शन है इसका पूरा, ये प्रोटीन कैसे है, इसके कंटेंट क्या क्या है, किस किस चीज़ों से बना है, इसके अंदर पूरा लिखा हुआ है। प्रोटीन बहुत अच्छा है। आज का जो अपना रिव्यू वीडियो था तीनों प्रोटीन का, डेक्स्टर हुआ, आरसी हुआ, एलए हुआ, वो इधर ही एंड करते हैं। मिक्सिबिलिटी रही थी, मिक्सिबिलिटी का डिफरेंस रहा था, पर मिक्सिबिलिटी इसलिए नहीं बताई क्योंकि तीनों की मिक्सिबिलिटी बेस्ट है। चाहे आप यूट्यूब पर कुछ भी खोल के देखो, ऑफिशियल साइट खोलो, चाहे आप किसी होलसेलर के पास जाओ, रिटेलर के पास जाओ, ऑनलाइन मंगाओ, तीनों में से किसी को, एक चीज़ याद रखना, इसका जो कोड होता है वो स्कैन करके देखना, क्योंकि ये इंपोर्टेड प्रोटीन होता है। तो इनकी जो कॉस्टली प्रोटीन होता है 5,000 प्लस के, या फिर 4,000 प्लस के, कई में तो ऑन जो आता है ना 1 kg का, जो 3,000 कुछ की MRP पड़ती है उसकी। MRP तो क्या बोले, अपने को पड़ता है, MRP थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, अपने को 3,000 कुछ का पड़ता है। तो उसके अंदर भी कई डुप्लीकेसी आती है, जो मेजर जो बड़े ब्रांड है उसके अंदर डुप्लीकेसी आती है। क्यों? क्योंकि जो डब्बा है वो बनाना इतना हार्ड नहीं है, पर जो अंदर का कॉन्टेंट है वो थोड़ा हार्ड पड़ता है बनाना। वो फैक्ट्रीज के अंदर बनता है, बहुत लार्ज स्केल पर बनता है, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट होते हैं, साइंटिस्ट वगैरह, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं प्रोटीन के अंदर। ऐसे ही अपनी जो गवर्नमेंट है वो किसी को लाइसेंस नहीं देती सेल करने का, इनके पास फसाई का, तीनों के पास ही फसाई का, जो अपनी एसोसिएशन है उनका वो वैलिड लाइसेंस है कि अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो ऑथेंटिसिटी के अंदर जो कोड है वो ज़रूर स्कैन करें,
फ्लेवर जो प्रीफर लगता है आपको वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आज के ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। मैं हूँ आदित्य, आप देख रहे हैं आदित्य 29 ब्लॉग्स को। ओके,